इस सवाल से स्टूपिड और सिली कोई सवाल मुझे नहीं लगता। 21 दिन तक ये करें, जिंदगी ना बदली तो फिर कहिएगा। ये चीज मैं बचपन से करती आ रही हूँ और अब आपको भी करनी है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम रबीका बतूल, आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैंने अभी पीछे एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने बात की कि अपने मुकद्दर पे या अल्लाह ताला ने जो दिया है उस पर खुश कैसे रहा जाए। हमने इसके हवाले से बात की थी पिछले वीडियो के अंदर, जिस पर मुझे बहुत प्यार मिला और मैं आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो आप लोगों ने अप्रिसिएशन की और मुझे बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा, आप लोगों ने एक सवाल सुना है जो मुझे बहुत सिली और स्टूपिड लगता है, जो कि एक बार मोस्टली पूछते हैं लोग। हमने बात की कि ग्रेटिट्यूड कितना ज़रूरी है, शुक्र अदा करना कितना ज़रूरी है, कितना अच्छा है एक इंसान के लिए और कितने बेनिफिट्स हैं उसके। अल्लाह खुश रहता है, हम खुश रहते हैं और हमारी ज़िंदगी बाग बहार हो जाती है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। ये हमने बातें अच्छी तरह की, लेकिन एक सबसे स्टूपिड सा या अजीब सा क्वेश्चन जो मैंने आज तक सुना या मुझे लगता है वो पता क्या है कि ओके एवरीथिंग इज गुड, ठीक है जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं, पर हम किन चीज़ों पे अल्लाह का शुक्र अदा करें, किन चीज़ों पे अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप मुझे खुद बताइए कि इस स्टूपिड क्वेश्चन को हो सकता है? क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि हम किन चीज़ों पे अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हम किन किन चीज़ों पे अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा नेमतें दी हैं कि समझ नहीं आता, इस पे शुक्रिया अदा करें अल्लाह का या उस पे शुक्र अदा करें, ये सवाल होना चाहिए। लेकिन आजकल के लोग या फिर बहुत से लोग, आजकल के नहीं, बहुत से लोगों का ये सवाल है कि किन किन चीज़ों पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, किस किस चीज़ों पर करना चाहिए। अल्लाह ताला का हर चीज़ पे शुक्र अदा करना चाहिए और अगर हम नेमतें गिनने पे आए तो जैसे मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि हम कभी नहीं गिन पाएंगे अपनी ज़िंदगी में जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें अता की हैं और हम पहचान भी नहीं पाएंगे और हम गिन भी नहीं पाएंगे। जी हाँ, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। और चलिए अब इस पे के हवाले से बात कर लेते हैं कि किन किन चीज़ों पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्या ऐसी चीज़ है जिसमें हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊं तो हर चीज़ के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करिए, लेकिन अगर मैं फिर ये कहूँगी ना, एक नॉर्मल सी बात करूँगी तो फिर उन लोगों के लिए वेग होगा जो लोगों के जहन में अभी भी ये स्टूपिड सा सवाल है। तो इसीलिए हम थोड़ा सा जो है ना तफसीलन चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए एक बहुत प्यारी चीज़ के लिए जो है ये ज़िंदगी। जी हाँ, इस ज़िंदगी के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। ये ज़िंदगी आप जी रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपको इंसान पैदा किया है, अल्लाह ताला ने आपको इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है जो आपके लिए हर दिन एक नए सरप्राइजेस ला रही है। आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए कि या अल्लाह तेरा शुक्रिया कि मैं हर रोज़ सुबह देखती हूँ, सुबह से शाम होते हुए देखती हूँ, शाम से रात होते हुए देखती हूँ, फिर उठती हूँ और दोबारा सुबह देखती हूँ। अल्लाह ताला का इसके लिए शुक्र अदा कीजिए। या अल्लाह आपको शुक्र है कि मैं रोज़ सूरज भी देखती हूँ और रोज़ चाँद भी देखती हूँ, फिर सुबह उठती हूँ और सूरज भी देखती हूँ और चाँद भी देखती हूँ और हर दिन एक नए चीज़ को देखती हूँ। हर दिन जो है मैं अपनी आंखें खोल सकती हूँ, नई चीज़ें देख सकती हूँ और मौजज़ात होते हुए देख सकती हूँ। जी हाँ, ये मौजज़ा ही है दिन का, दिन होना, रात होना, शाम होना, ये सब कुछ। अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा कीजिए। फिर सेहत, बहुत बड़ी चीज़, सेहत के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। हेल्थ भी जिसे कहा जाता है, उसके लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए कि या अल्लाह मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमें बुरी और बड़ी क्रॉनिक डिजीज़ से बचा के रखा, बुरी और बड़ी बीमारियों से बचा के रखा, जिसकी वजह से हम सेफ हैं और आप क्या हम शुक्र अदा करते हैं इस चीज़ के ऊपर। ना जाने कितनी, आप खुद नहीं जानते और मैं भी नहीं जानती, इतनी ज़्यादा डिजीज़ हैं, इतनी ज़्यादा डिजीज़ हैं और इतनी बुरी और बड़ी डिजीज़ हैं कि हम क्या जाने। अल्लाह ताला का हर चीज़ के लिए शुक्र अदा कीजिए। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरा दिल बिल्कुल उसको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह ताला आपका शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी जिल्द बिल्कुल सही है, स्किन को नहीं मेरे कुछ हुआ। या अल्लाह मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी आंखें परफेक्ट हैं या अल्लाह,
आपने मेरी आँखों को बिल्कुल सही बनाया और बिल्कुल सही से मैं देख सकती हूँ, बहुत शुक्रिया। या अल्लाह आपको शुक्रिया कि मेरी आवाज़ बिल्कुल सही है, मैं बोल सकती हूँ अपनी मर्ज़ी से और मैं आवाज़ निकाल सकती हूँ। या अल्लाह आपको शुक्रिया मेरे कान बिल्कुल सही है, मैं सुन सकती हूँ और मैं बहुत अच्छी तरह चीज़ें सुन भी सकती हूँ, ठीक है। तो अल्लाह ताला का हर चीज़ पे शुक्रिया अदा कीजिए। अल्लाह ताला आपका शुक्रिया, मैं सांस सही से लेती हूँ। सांस लेना ही बहुत बड़ी बात है। बहुत से जब तक हमें कोई चीज़ हमारे पास होती है ना, हम ना उसका शुक्र अदा नहीं करते, हमें उसकी अहमियत नहीं पता होती है। आप अभी सांस ले रहे होते हो ना, नॉर्मल आप ले रहे हो तो ओके, आप नॉर्मल सांस ले रहे हो अपनी ज़िंदगी में जैसे जी रहे हो। बट अल्लाह ना करे जैसे ही सांस करने कोई दुश्वारी आए, तब आपको पता चलता है कि सांस कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह किसी के साथ ना करे ऐसा। अल्लाह ताला के लिए अल्लाह ताला को सांस के लिए शुक्रिया अदा करिए कि अल्लाह आपने मुझे सांस दी है, साफ हवा दी है, ऑक्सीजन दी है, जिसकी वजह से मैं सांस ले सकती हूँ। मैं जैसे ही ब्रीथ इन करती हूँ मुझे एक अलग किस्म का सुकून मिलता है, ब्रीथ आउट करती हूँ अलग किस्म का सुकून मिलता है। या अल्लाह आपका हर चीज़ के लिए शुक्रिया। मैं अपने पाँव पे खड़ी हो सकती हूँ, मेरे पाँव सलामत हैं, मेरे हाथ सलामत हैं, मेरे बाजू सलामत हैं, मेरे मसल सलामत हैं, मैं मूवमेंट्स कर सकती हूँ, मेरा ब्लड बिल्कुल साफ है। हर चीज़ के अंदर आप अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं। सेहत बहुत 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 बड़ी नेमत है। अपनी सेहत के लिए शुक्र अदा कीजिए, अपने बच्चों अपनी फैमिली के सेहत के लिए शुक्र अदा कीजिए, अपने क्लोज वंस की सेहत के लिए शुक्र अदा कीजिए, हर चीज़ के लिए शुक्र अदा कीजिए। फिर रिस्क के लिए शुक्र अदा कीजिए। अब रिस्क सिर्फ एक चीज़ में नहीं आता, रिस्क बहुत सी चीज़ें होती हैं। सेहत रिस्क होता है और ऐसी जो माली चीज़ें होती हैं ऑब्वियसली वो भी रिस्क होती हैं, जैसे कि पैसा एक रिस्क है। और जो है आपको अगर वो मिल रहा है ऑब्वियसली, तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए जितना भी मिल रहा है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस नेमत से भी नवाजा। फिर उसके बाद ये चीज़ तो हो ही जाती है, और फैमिली एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला को यानी कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह आपने मुझे फैमिली से नवाजा। फैमिली बहुत बड़ी नेमत है, फैमिली की सेहत बहुत बड़ी नेमत है, उसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। इज़्ज़त बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने प्रोवाइड की, उसके लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए कि मैं सर उठा के अल्लाह के फज़ल करम से सर उठा के जो है मैं चल सकती हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है, अल्लाह ताला ने जो है मुझे राइट्स दिए हैं, इज़्ज़त दी है। अल्लाह आपका शुक्र अदा करती हूँ इस चीज़ के ऊपर। आप इज़्ज़त के लिए शुक्र अदा कीजिए अल्लाह ताला का, और अल्लाह ताला कहता है कि जब तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा तो हर लम्हा हर चीज़ पर करना चाहिए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो वो ठीक हो जाए उस पर शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि अल्लाह जो करता है सही करता है, ठीक है। तो आप अगर गिनती पे आए ना, तो आप कभी भी नहीं अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर सकते। इसीलिए हमें अल्लाह से माफ़ी मांगते रहनी चाहिए और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, और हर चीज़ के लिए अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। ये आप जो खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उसके लिए शुक्र अदा कीजिए। ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता, जिनको पीने के लिए पानी नहीं मिलता, ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो रोज़ भूखे सोते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए इस चीज़ के ऊपर। या फिर ऐसे मरीज़ भी तो हैं जो कि कुछ चीज़ें नहीं खा सकते, कुछ खाने नहीं खा सकते, सिर्फ दवाइयों पर ज़िंदा हैं, पानी नहीं पी सकते अपनी मर्ज़ी का, या खाना नहीं खा सकते अपनी मर्ज़ी का। तो हर चीज़ के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, और हर नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए हर चीज़ के ऊपर। और ये चीज़ करते हुए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी, मैंने अपने पेरेंट्स को बचपन से ही देखा ये चीज़ करते हुए। अब आपने करनी है, खुद करिए, बच्चों को कराइए और अपनी सारी फैमिलीज़ को जो है ये करवाइए, ताकि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी बने और अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर भी बहुत सी नेमतें आपको और मज़ीद अता करे, ठीक है। जैसे कि एक इस आयत को कभी मत भूलिएगा कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूँगा, और अगर तुम मेरी नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब शदीद तर है। तो आई होप आपको ये मैसेज समझ आ गया होगी, वीडियो समझ आ गई होगी, और आई होप कि आपका वो स्टूपिड वाला क्वेश्चन आंसर हो गया होगा। तो अगर आप नेमतों का शुक्रिया अदा करने पर आप कभी भी नहीं कर सकते, सो हमेशा खुश रहिए, थैंकफुल रहिए, और अगर आप ये करते हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। और इनकी वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।